वहां पर एज पर पास्ट प्रेसिडेंट बना रहा है। अब ये ठीक है कि वो मैंने उसको ऑलरेडी बोल दिया कि भाई ठीक है पास्ट प्रेसिडेंट था, तो अब आपने इसको अगली बार से ब्रेक कर दिया। अब मान लीजिए वो गलत आंसर है ना। हाँ, नहीं तो वो वहां पर बेसिकली वहां पे पास्ट प्रेसिडेंट स्टाफ से बना रहा है कि जब वो उस दिन करते हैं जो रिहर्सल जो है फाइनल रिहर्सल वाले दिन तो उस दिन वो स्कूल का फ्लैग फहराते थे कि उस दिन वो अपना जो तिरंगा जो है वो सिर्फ कश्मीर जनवरी पे भी वो 15 अगस्त पे भी सेव किया था इससे पहले रिहर्सल के ऊपर क्या तिरंगा उसमें जो है पिछले दो तीन मतलब पिछले उसमें दो तीन बार के पहले को वो फोटो भेजे वहां पर एज पर ये प्रेसिडेंस बना रहा था किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस बार ये मसला जो है मतलब इस बार किसी ने हाईलाइट किया हाईलाइट भी जो है वो ठीक है तो जिसने हाईलाइट किया जिसने नहीं नहीं देखिएगा इशू इस तरह से बना क्योंकि किसी ने अननेसेसरी इशू नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यहाँ पे कोई नहीं है इसमें जो भी है ये आपके सामने इवन जो यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं इस टाइम के एस ऑफिसर बैठे हैं इन्होंने भी आगे चल के जनाब ने भी अपहोल्ड करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने आइडियल्स को अपहोल्ड करना है। जब हमारे सर यही रिक्वेस्ट है इस टाइम जो सभी आए हैं कि ये जो कल इंसिडेंट हुआ जहां पे तिरंगे की जगह किसी भी फ्लैग को किया गया ठीक है सर ओमिशन एंड मिस्टेक्स कहीं भी हो सकती है हो गई कोई बात नहीं लेकिन जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि सर कोई भी ऑर्डिनरी फ्लैग है कल को तो फिर अमेरिका ही चलेगा सर वो चीज थोड़ी गलत है। आपसे यही रिक्वेस्ट था ये जो जबल यूथ की तरफ से था जैसा कि कल फुल ड्रेस रिहर्सल सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ के एसडीएम साहब ने हमारे जो मुल्क के झंडे की जो है वो अवमानना की उसको लेकर आज जो हमारा ये डेप्यूटेशन एजेंडीसी पुंछ से मिला और हमसे हमने उनसे कहा कि जो भी इंसान हमारे इस कंट्री के नेशनल फ्लैग की या नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करेगा आपको उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और डीसी साहब ने यह एश्योर किया है कि वो रिटर्न में उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगेंगे ये उनसे चूक कैसे हुई और आने वाले वक्त में इस तरह की गलती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो ऑफिसर है वो ना करे इसको वो पूरा सुनिश्चित करेंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह की कोई भी जो गलती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर जो ना करे जिससे कि हमारे मुल्क के झंडे का या हमारे नेशनल एंथम का जो है वो अपमान हो। तो किस तरह का आश्वासन उन्होंने कहा जी कि वो बिल्कुल वो रिटर्न में जो है वो एक ऑर्डर निकालेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह की गलती क्यों हुई है अगर उसमें वो चूक में उन गलती पाई गई वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करें। पास ट्रेडिशन रहा है जो मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि जो है वहाँ पे पहले भी कि जो फुल ड्रेस रिहर्सल के थे वो अपना जो स्कूल का फ्लैग था उसको फहराया करते थे और कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया तो मैंने एसडीएम को हिदायत दी है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसको हिदायत दी है कि आगे से वो इस टाइप का जो है जो फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कौमी परचम को ही फहराया करें और जो इसमें जो है जिसमें कोई भी कोताही इवन फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कोई भी कोताही ऐसी ना बरती जाए और इसके लिए जो है जो जो कंसर्न ऑफिसर है उनको हिदायत भी दी गई है। थैंक यू।